أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان الله وسلام على المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله نہیں انصاف اور کوئی نبی صلوا عليه وآله وہ ہے سیدی وہ ہے مرشدی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جو دلوں میں کیف و سرور ہے یہ نگاہ لطف حضور ہے یہ نگاہ لطف حضور ہے چلو مل کے سارے پڑھو یہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ یہ عبادتیں یہ ریاضتیں
ये सादतें, ये इनायतें, ये सादतें, ये इनायतें, ये नवाजिशें हुजूर की, सल्लो अलैहि वालिही, सल्लो अलैहि वालिही। मेरे हाल पर जो करम हुआ तो मैं बेनयाज़े आलम हुआ, तो मैं बेनयाज़े आलम हुआ, रही बेकसी नव मुफ़लिसी, सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही। हजूर पीर सैयद गुलाम कुतुबुल्लाह शाह गिलानी दामत कातमुल्लाह के दीवाने नाज जाने रामत से उनका खूबसूरत कलाम पेश कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पर अगर पीर सैयद अली जुनेद उल हक शाह गिलानी दामत कातमुल्लाह समात फरमा रहे हो तो एक खूबसूरत नात का शेर आपके खूबसूरत समातों के हवाले कर रहा हूँ। हजूर समात कीजिएगा। है रवां मदीने के काफले, जो भी जाना चाहे वो मिले, जो भी जाना चाहे वो आ मिले, ये खबर हमें भी मिले कभी, सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही। वही हर्फो सूत की जान है, वही कुतुब जाने जान है, वही कुतुब जाने जान है, असासे इल्म व यकीन वही, सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही। वो है सैयदी, वो है मुर्शदी, सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप दोनों की खुशहलानी में, तौफीकात में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। नाज़रीन मोहतरम, नवाए रमज़ान के एक और एपिसोड के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान से, दुनिया भर से, जहाँ जहाँ से नाज़रीन हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सब के लिए अर्ज़ करता चलूँ, ये प्रोग्राम आप नवाए रमज़ान आरपी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म और स्टैक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान के ताबुन से देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ान मुबारक जो अल्लाह सुबहानहु व तआला की बरकतों वाला महीना है, वो अब बिल्कुल अपने आखिरी लम्हात में है, हमसे रुख्सत हुआ चाहता है। यकीनन रिवायात व अहादीस की रोशनी में जिस तरह इसके आने पर हमें इसका इस्तकबाल करना है, वैसे ही इसके रुख्सत होने के टाइम पर हमारे दिलो दिमाग पर एक उदासी की कैफियत और इसके हमसे जुदा होने की, दूर होने की कैफियत और एहसासात का गलबा होना चाहिए। इसकी महब्बत और इसकी इबादत से महरूम हो जाने का एहसास हम पर गालिब होना चाहिए। और न जाने के आइंदा आने वाले रमज़ान में हमें ये दिन, ये साथें, ये बरकतें, ये रोज़े फिर नसीब होते हैं कि नहीं होते। मेरी दुआ है अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको आइंदा रमज़ान
तक भी सलामती और सेहत वाली ज़िंदगी अता करें। हम एक दफ़ा फिर इस माह मुबारक की बरकतों को नेमतों साथों को पूरी तनदही के साथ, मेहनत के साथ समेटने के काबिल हो सकें। इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करते चले आ रहे हैं मुख्तलिफ मौजूआत पर जिनका ताल्लुक इबादात से, तज़किया नफ्स से और तरबियत से है। हमने अपने आज के प्रोग्राम में जिस मौजू का इंतखाब किया है वो उसे आप कह सकते हैं कि शख्सियत और किरदार साजी के हवाले से, और हमारी जो तरजीहात हैं और मुख्तलिफ कामों को करने के लिए जो हमारा नुक्ता नज़र है उसकी दुरुस्त समत में रहनुमाई के लिए इस मौजू का जो इंतखाब है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए भी हमने जिस शख्सियत को दावत दी है, आप नौजवान स्कॉलर हैं, अदीब हैं, बच्चों के मारूफ लिखारी हैं, नेशनल सतह पर दो दफ़ा आपको आपकी किताबों पर सदारती अवार्ड से नवाजा जा चुका है। मेरी मुराद है अली इमरान मुमताज़, आपको खुश आमदीद कहता हूँ सर अपने इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ, हमने जिस प्रोग्राम हमने अपने आज के इस प्रोग्राम में जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है इश्के मजाजी से इश्के हकीकी तक का सफ़र। इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे हम अली इमरान मुमताज़ से। अली भाई, आपको सबसे पहले तो खुश आमदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में एक बार फिर, और रमज़ानुल मुबारक के हवाले से आप पहले अपने एहसासात के बारे में बयान फरमा दें, कैसे जा रहे हैं आपके रोज़े और इख्तितामी लम्हात में आपकी क्या कैफियत हैं, आप क्या सोचते हैं? जज़ाकअल्लाह। सबसे पहले तो मैं आरपी न्यूज़ की इंतज़ामियों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि माह रमज़ान के इन ख़ास आतों में उन्होंने नवाए रमज़ान के नाम से जो यानी कि रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ किया है, एक बेहतरीन सिलसिला है। मैंने इनके प्रोग्राम्स रोज़ अफ्तारी के से पहले देखता हूँ, मुख्तलिफ स्कॉलर्स आए हैं जिन्होंने यहाँ पर आकर यानी कि अपने अंदाज में माह रमज़ान की अफादियत और फ़ायद बयान किए हैं, और नाज़रीन ने इनसे फ़ायदा भी उठाया है। ये एक बेहतरीन इकदाम था आरपी न्यूज़ की जानिब से, और बस दुआ करें अल्लाह पाक कबूल कर लें। हम भी यही सोच के बैठते हैं कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से, हमारी ज़ुबानों से जो अल्लाह ताला का नाम, उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र और अम्बिया का, सालेहीन का जो तस्करा होता है, इबादात के जो तस्करे होते हैं, उससे रूह को ताजगी मिले, देखने वालों के भी और खुद हमारे भी। बिल्कुल ऐसा ही है जी। देखिए जी, माह रमज़ान की ऐसी सातें हैं, यहाँ एक लफ्ज़ भी अगर हम कोई अच्छा नेकी का बोलते हैं तो उसके ना हज़ारों के स्रोत में हमें नेकियाँ मिलती हैं। जी बिल्कुल मैम भाई, मैं कतकलामी की बस एक आदत सी हो गई है, कितनी अजीब सी बुरी आदत है, अल्लाह पाक इससे छुटकारा अता फरमाए। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, मैं खुद अभी आपकी बात से ज़हन में आया, मैं खुद ये सोच के बैठता हूँ कि अल्लाह ताला से ये दुआ करके बैठता हूँ कि या अल्लाह, हमारे रोज़े तो पता नहीं इस काबिल हैं कि नहीं, और इबादात कभी कोई तसलसल नहीं है, टूटी फूटी इबादात हैं। तो वही जो मैंने अभी बात की कि अल्लाह ताला का नाम, उसका जिक्र, उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, तो मैं उससे यही दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मुझसे और सुनने वालों से, नाज़रीन से, मेरी पूरी टीम की जानिब से, इदारे की जानिब से, इसे हमारी जानिब से इबादत के तौर पे कबूल फरमा ले। इंशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं। अब वो रब बेहतर जानता है कि कबूलियत वहाँ कैसे हो रही है। वो कबूलियत बिल्कुल उम्मीद अच्छे की होती है। बाहैसियत मुसलमान हमारा फर्ज बनता है कि हम अल्लाह ताला से हमेशा अच्छे की ही उम्मीद रखें। और रही बात रोजों की, अल्हम्दुलिल्लाह आपके रोजे जो है वो, मैंने आपसे सवाल किया था कि आपके रोजे कैसे जा रहे हैं, लेकिन आपने फरमाया ना कि उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए, और मैं भी उम्मीद रखता हूँ, लेकिन यहाँ पर ना एक खौफ भी गालिब हो जाता है। मुझे वो याद आने लगता है, जैसे उम्मीद पैदा होने लगती है ना कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला माफ़ी अता फरमाएंगे, रोजे कबूल करेंगे, तो फिर मुझे अचानक से हज़रत उमर फारूक का एक वाक़या याद आ जाता है कि ईद वाले दिन जो है उनके पास कुछ लोग जब मुबारकबाद देने के लिए पहुँचे उनकी खिलाफत के दौर में, तो देखा कि वो रो रहे हैं, और इतना रो रहे हैं कि उनके आंसुओं से उनकी दाढ़ी मुबारक जो है वो तर हो चुकी है। लोगों ने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन, आज तो खुशी का दिन है, ईद का दिन है, आप अफसरदा हैं, रो रहे हैं। तो कहने लगे कि जी हाँ, खुशी का दिन तो है, लेकिन उनके लिए जिनके रोज़े इबादत कबूल हो गई, अल्लाह माफ़ करे कोई अल्फाज के 19-20 आगे पीछे मफहूम अर्ज़ कर रहा हूँ। तो कहने लगे कि उमर नहीं जानता कि उसके रोज़े कबूल हुए कि नहीं। तो अब मैं जब ये बात याद आती है ना, तो फिर मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ कि ये उमर का मकाम, उनका उनका दर्जा, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, और उमर के बारे में फरमाया कि जिस रास्ते से गुजरता है तो
तो शैतान वो अपना रास्ता बदल लेता है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो हम तो फिर क्या उनकी जूतियों की खाक के बराबर भी नहीं है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि हमने अगर रोज़ा रख लिया है तो रोज़ा रखने के बाद जो अल्लाह ताला ने हमें अहम बातें बताई हैं, उलमा कराम के ज़रिए हम तक पहुंची हैं, रोज़े के दौरान झूठ ना बोलना, लड़ाई झगड़ा ना करना, ये तमाम यानी कि आदात अगर हमारे अंदर अच्छे अंदाज में है, अपने दौर पर इनका भरपूर जो है एहतमाम करें, कोशिश करें। इस तरह कहते हैं जी, इबादत नमाज की कबूलियत का कैसे पता चलता है कि जब हम अगली नमाज की तैयारी करते हैं। इसी तरह मेरा एक नज़रिया है कि रोज़े की हालत में जब हम यानी कि सारा दिन गुजारते हैं और अगले दिन के रोज़े का हम तौफीक मिलती है, हम नियत करते हैं तो समझेंगे पहले वाला रोज़ा हमारा कबूल हो रहा है। तो ये वही एक सिलसिला है जी, अगर हम इस यकीन पर रहेंगे तो इंशाल्लाह हमारा हर आए दिन का रोज़ा कबूल होता रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा अली भाई, ये फरमाइएगा, हमारा आज का मौजू है इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक का सफ़र। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इश्क किस चीज़ का नाम है, और इसमें मैं थोड़ा सा इजाफा कर दूँ कि एक दूसरा लफ्ज़ मुस्तमिल है मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, दीन की मोहब्बत, शायर की मोहब्बत, दुनिया में भी मोहब्बत, मियाँ बीवी की मोहब्बत, दोस्तों की मोहब्बत। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत और इश्क दो अलग अलग जज्बे हैं या एक ही जज्बे का नाम है? पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इश्क मजाजी है या इश्क हकीकी, दोनों में फ़र्क कोई नहीं है, बात सिर्फ इतनी है चाह जाना। इश्क मजाजी में भी किसी को चाह जाता है, इश्क हकीकी में अल्लाह ताला को चाहा जाता है। यहाँ फर्क सिर्फ यही आता है कि इश्क मजाजी में हम किसी इंसान को चाहते हैं, इश्क मजाजी में जब बात आती है और मोहब्बत की आपने अभी बात की है, मैं सोचता हूँ कि इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की बजाय लफ्ज जुमला ये होना चाहिए था मोहब्बत मजाजी से इश्क मजाजी तक का सफर। अच्छा, यानी मोहब्बत आपके इस जुमले के तनाजुर में जो मुझे बात समझ आई है कि मोहब्बत, अच्छा आदतन मैं वैसे एक जिमन एक बात अर्ज कर दूं, मोहब्बत मोहब्बत बोल रहा हूं जैसे हम सुनते पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, लेकिन अभी आप मेरी सलाह भी फरमा दीजिएगा। मैंने कुछ दिन पहले ही मेरी नज़र से एक किताब गुजरी गालबन किसी उर्दू डिक्शनरी का मुताला करते हुए, तो उससे मुझे पता लगा कि लफ्ज़ मोहब्बत नहीं महब्बत है, यानी मीम पर ज़बर के साथ है, ऐसे ही बिल्कुल। अच्छा चलिए, ये तो आपकी जानिब से तस्दीक हो गई। अब जो अभी आपने इससे पहले जुमला इरशाद फरमाया कि मोहब्बत मजाजी से इश्क हकीकी की तरह, यानी इस बात से तो ये समझ आ रही है कि जो मोहब्बत है वो इश्क की कोई इब्तदाई मंजिल है। बिल्कुल, मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि अल्लाह इश्क है और इश्क से ही इश्क किया जाता है। वाह वाह, अगर बात इंसान की आती है ना, इंसान से अल्लाह के लिए मोहब्बत की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ जो अब नई नस्ल आई है, जो नौजवान है, अब भी वो मोहब्बत के लफ्ज और इश्क के लफ्ज से बहुत दूर हैं। वो किसी इंसान से मोहब्बत का इजहार तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि ये दुनिया की मोहब्बत है, और ये दुनिया की मोहब्बत इश्क हकीकी की तरफ तब रागिब होती है जब हमें दुनिया का वो इंसान ठुकराता है, हमें अजियत देता है, हमें तकलीफ देता अच्छा, है। अच्छा इमरान भाई, इस पर मजीद भी बात करेंगे कि इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की तरफ कैसे जाना है, इसी पर आना है, यही हमारा आज का मौजू है। लेकिन आपने बड़ा प्यारा जुमला भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह इश्क है। बिल्कुल, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पर जरा थोड़ी सी मजीद रोशनी डालें। मैं जैसे ही आपने जुमला बोला ना, तो मेरे दिमाग में हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु का वो सारे वाकयात जो है मनाजिर की तरह चलने लग गए कि जिनके बारे में उनको तकलीफ देना, उनको गर्म रेत पर लिटाना, और इतनी गर्म रेत, तपती रेत या कोयले कि उनकी जो है वो जिस्म की चर्बी के पिघलने से जो है कोयलों का बुझ जाना, तो उन्होंने अल्लाह से इश्क किया था ना, इसे क्या कहेंगे? अल्लाह से इश्क नहीं था वो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क था। क्या सिक्के के दो, सिक्के के ही दो रुख बने, अल्लाह का इश्क और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क? लेकिन इसमें भी एक फर्क है। अच्छा, एक दिन मैं बैठा था तो इसी टॉपिक को लिए एक दरवेश के पास, तो उन्होंने कहा कि इश्क सिर्फ रब से होता है, और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो इश्क किया था उसे इश्क का हम नाम नहीं दे सकते, उसे मोहब्बत रसूल का नाम दे सकते हैं। अच्छा, कि उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी, और उसी मोहब्बत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हजरत बिलाल की रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अज़ियतें और तकलीफें उठाई थी। इश्क सिर्फ रब से होता है, अल्लाह ताला ने तो खुद फरमाया है कि मुझे अपने रसूल से मोहब्बत है, अल्लाह ताला ने भी अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ही की है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने अभी बात की, हाँ जी मैंने भी बात की, इश्क अल्लाह है और
इश्क से ही इश्क होना चाहिए। जज़ाकअल्लाह। मज़ीद बात करते हैं इस मौजू पर, मुझे इजाज़त दीजिएगा, ब्रेक का वक्त हुआ, एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन मोहतरम, हम गुफ्तगू कर रहे हैं इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक का सफर, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ान मुबारक, ये बाबरकत महीना हमसे रुखसत हुआ चाहता है। इन मुबारक सातों में यकीनन कहा जा सकता है कि ये कमाई का वक्त है, अपनी इबादत के, अपनी मेहनतों के जायज़े की वसूली का वक्त है। तो ये वक्त हमसे तकाजा करता है कि हम इन आखिरी लम्हात में, इससे पहले के दिनों में, रातों में, इबादात में हमसे अगर कोई कमी बेशी कोताही रह भी गई है, तो हम पूरी तनदही के साथ, पूरी मेहनत के साथ और पूरी तवज्जो के साथ अपने रब की जानिब, अपने अल्लाह की जानिब रुजू कर लें, उससे जुड़ जाएं और उससे जो है वो अपनी मनाजात में, अपनी इबादात की कबूलियत और दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, सारी उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान के लिए, सब के लिए तलब करें। मांगने वाले को ही अता होता है। और मौजू जो है हमारा मांगने वाले से इश्क है, यानी इश्क हकीकी क्या है, इस सफ़र को कैसे किया जा सकता है, इस मंजिल को किस तरह से हासिल किया जा सकता है, इस मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं नौजवान अदीब, सदारती अवार्ड याफ्ता अदीब अली इमरान मुमताज़ से। आइए एक फिर उनकी जानिब चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक का सफ़र क्यों कर तय किया जा सका। बात हो रही थी इश्क मजाजी और इश्क हकीकी के हवाले से कि मैंने इस पे कहा मोहब्बत मजाजी से इश्क हकीकी का सफ़र। अक्सर नौजवान मेरे पास आते हैं, बैठते हैं और मैंने जो एक जायज़ा लिया है, मैंने जो एक तज़िया किया है, 16 से 20 साल के वो नौजवान जो अभी यानी कि तिफले मुकतब हैं, तालीम के दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे में वो कहीं ना कहीं इश्क के, मोहब्बत के चक्कर में फंसे हुए होते हैं। तो एक नौजवान रोता तड़पता मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि इमरान भाई मेरे लिए दुआ करें, मैं फलां के लिए बहुत तड़पता हूँ, वो मुझे मिल जाए। मैंने उसे कहा तुम उसे अल्लाह से मांगो। उसने कहा ठीक है, मैं अल्लाह से मांगता हूँ, दुआएं करता हूँ और इबादतें करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो मुझे मिल जाए। तो मैंने कहा मुझसे दुआ मंगवाने क्यों आए हो आप? कहने लगा कि आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप मोहब्बत के टॉपिक पर ना बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं और आप इन चीज़ों को समझते हैं, शायद आपके मुँह से निकली हुई दुआ कबूल हो जाए। मैंने कहा अगर मैं यानी कि वो ना मिले तुम्हें तो क्या करोगे? कहने लगा मैं जंगलों में निकल जाऊंगा, अल्लाह ताला के रास्ते पर चल पड़ूंगा, इस रास्ते को छोड़ दूंगा। मैंने कहा अगर मैं ये दुआ कर दूं कि वो तुझे मिल जाए, वो तुम्हें मिल जाएगी, तो अल्लाह ताला तो मुझसे नाराज़ हो जाएगा कि तूने मेरे बंदे के हक में दुआ की, वो उसको मिल जाए, वो तो उसको मिल गई है लेकिन मुझसे वो गाफिल हो गया, मैं ऐसी दुआ तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। थोड़ा सा वजाहत कीजिएगा, मुझे जो बात समझ आ रही है आपकी इस गुफ्तगू के तनाजुर में, आपका मतलब ये है कि अपने जो दिल में ख्वाहिश है, जो मोहब्बत है, उसके हुसूल की खातिर जब हम अपने रब से दुआ कर रहे हैं तो गोया हम एक कर्ज में वहाँ भी अपने रब से जुड़े हुए हैं और शायद यही चिंगारी कहीं बाइस बन सकती है, बाइस बन सकते इश्क हकीकी का। अच्छा। लेकिन हम उसी रब से उस इश्क को, उस मोहब्बत को मांग रहे होते हैं जो हमें 70 माओ से भरकर प्यार करता है। तो ऐसे में तो हमारे लिए शर्मसारी है कि वो रब जो हमसे मोहब्बत करता है, हम उसको भूलकर एक इंसान से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और उसी रब से उसको मांग रहे हैं। एक खातून, लेकिन कथा कलामी की मदद चाहते हुए यहाँ एक नौजवान या कोई भी फर्द इंसान ये भी तो सोच सकता है कि मांगना कुछ जो भी है रब से मांगना है, उससे ना मांगे तो फिर किससे मांगे? बिल्कुल सही सवाल किया, मांगना में रब से ही चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिए, आजकल माह रमज़ान है, अब ताक रातों का सिलसिला शुरू होने वाला है, इन ताक रातों में इन जैसे नौजवान इबादतें भी करते हैं, रो रो के अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं और वो कबूलियत की घड़ियाँ होती हैं, वो कबूलियत की घड़ियाँ होती हैं और कबूल भी हो जाती हैं। मैंने जो एक तज़िया किया है, इंसानी मोहब्बतें एक हद तक, एक वक्त तक रहती हैं,
जो अल्लाह ताला के से इश्क और मोहब्बत है वो सदा रहती है और मरने के बाद उसका अजर भी मिलता है। वो जब दुआएं मांगते हैं अल्लाह ताला कबूल भी कर लेता है और दुआएं कबूल होने के बाद वो मोहब्बत उनकी उनको मिल भी जाती है। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि ताक रातों में जो दुआएं मांगी जाती हैं ना, तो जिनकी को मांगा जाता है वो मिल तो जाते हैं और बाद में इन्हीं रिश्तों की ग्रहें दांतों से खोलना पड़ती हैं। इसीलिए मोहब्बत मजाजी से हमें निकलकर इश्क के हकीकी की तरफ जाना चाहिए। यही सवाल है, कैसे इश्क के हकीकी इस सूरत में होगा, हम किसी की मोहब्बत में तड़पे हैं, रोए हैं, रब के आगे झुके हैं, रब के आगे गिड़गिड़ाए हैं, ऐसे में हम रब से ये दुआ करें कि ए अल्लाह, तूने मुझे जिस मोहब्बत से गुजारा है ना, ये अकल इंसानी पर है कि वो सोचे कि ये जो तरफ जो तकलीफ जो अजियत मुझे मिल रही है ये मुझे किस तरफ रागिब करना चाहती है। अगर हम रब से दुआ कर रहे हैं तो रब यही चाहता है कि तुम मेरी तरफ पलट कर आओ। अगर इंसान समझ जाता है, रब से कनेक्ट करता है, तो ऑटोमेटिक एक दिन उसके अंदर से आवाज आएगी, ए अल्लाह मुझे वो नहीं, मुझे तू चाहिए, मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत होनी चाहिए, मैं तुझसे अकीदत करता हूँ, तू रब है, तेरी इबादत करता हूँ, लेकिन मेरे दिल में तेरे लिए मोहब्बत नहीं है और तू 70 माओ से बढ़कर मुझसे प्यार करता है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं तेरे रास्ते पर चल पड़ूं। अल्लाह ताला खुश होता है और उसके दिल को सुकून भी मिलता है। जो मोहब्बत मजाजी है वो आहिस्ता 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 उसके दिल से निकल उसकी जगह जो है वो उसकी जगह इश्क हकीकी आना शुरू हो जाता है। जज़ाकअल्लाह। यानी अली भाई, जो मुझे समझ आई है अब आपकी बात का, अगर मैं खुलासा बयान करूँ, आप मेरी सलाह कीजिएगा अगर मैं गलती करूँ, आपका फरमाना यह है कि इश्क मजाजी में किसी गलत रास्ते पर चलने की बजाय और मायूसी या जिसे आप कहें कि तारीख दुनिया होने के बजाय और नाउमीदी की बजाय हम अपने उस मंजिल के हुसूल के लिए या वो मंजिल, अच्छा वो इश्क मजाजी किसी भी किस्म की, जरूरी नहीं कोई इंसान हो, वो कोई दुनिया की दूसरी ख्वाहिश भी तो हो सकती है, कहते किसी नौकरी का हुसूल, किसी जॉब, कोई उसमें कहते हैं जी मोहब्बत मजाजी में ना सिर्फ लड़की से होती है, मोहब्बत किसी से भी हो सकती है इश्क मजाजी में। उसके अब आप ये फरमा रहे हैं कि उसके हुसूल के लिए जब हम कोई गलत या मायूसी का रास्ता इख्तियार करने के बजाय रब से मांगेंगे तो गोया हम इश्क मजाजी से इश्क हकीकी के सफर पर चल निकलेंगे। अब वो कहीं पर दरमियान में कोई टर्निंग पॉइंट आएगा और हम वहां से उस रास्ते पे उस मंजिल पे। आपको एक और बात बताता चलूं कि जब हम अजियत उठाते हैं और इश्क मजाजी में मोहब्बत मजाजी में ऐसे में जब हम गलत काम करते हैं, गलत सोसाइटी पर चल पड़ते हैं, तो समझ लें कि अल्लाह ताला चाहता ही नहीं है कि हम उसके इश्क में मुब्तला हों। अगर हम रब से रुजू करते हैं, कुछ ऐसी आदत हैं जिनसे पहले छुटकारा पाना जरूरी है, वगरना हम अल्लाह के नापसंदीदा बंदों में शामिल हो सकते हैं। और अल्लाह ताला नहीं चाहता कि ऐसा शख्स मुझसे भी इश्क करे। अल्लाह ताला उसकी ना दुआ कबूल करता है बल्कि उन लोगों की दुआएं कबूल करता है जो अल्लाह ताला से सही मानों में किसी की मोहब्बत में मुब्तला होकर उसको मांगते हैं, तो रब समझता है कि उसके इश्क में उसे मांग रहा है। जब ये मुझसे इश्क करेगा मेरे अलावा तो कुछ नजर भी नहीं आएगा। एक खातून ने मुझे कॉल पर बताया कि मैं ना फलां शख्स के लिए तड़पती हूँ, रोती हूँ, मरती हूँ, मुझे उससे बहुत मोहब्बत है, मैं अजियत में हूँ। मैंने उसे कहा आप अल्लाह ताला से मोहब्बत करती हैं, आपको अल्लाह ताला से मोहब्बत है? तो कहने लगी हाँ मुझे अल्लाह ताला से मोहब्बत है। मैंने कहा कि आप अल्लाह ताला के लिए ऐसे ही तड़पती हैं, ऐसे ही आप अजियत उठाती हैं? उस खातून ने काल ही काट दी। मैं उसको रास्ता दिखाना चाहता था कि अल्लाह ताला आपको उस इंसान से गुजारकर अपनी तरफ राहिब करना चाह रहा था। और हो सकता है, अच्छा गुमान रखना चाहिए कि आपके इस जुमले ने उनके दिल की दुनिया ही बदल दी हो और वो खुद इस सोच का शिकार हो गई हो और उन्होंने अल्लाह से लौ लगा ली हो। नाज़रीन मोहतरम, हमने गुफ्तगू की आज के इस प्रोग्राम में इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक का सफर कैसे तय किया जा सकता है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको, हमारी औलादों को, हमारे घर वालों को अपना इश्क, अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क और अपने प्यारे दीन का, शायर इस्लाम का इश्क, दुनिया और इसकी हर चीज़ की मोहब्बत से बाला अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, अपनी दुआओं में हमें, हमारे इदारे को और वतन अज़ीज़ को ज़रूर याद रखिएगा।